हाय गाइस, तो आज मैं आप लोगों के साथ मिल्क पाउडर्ड कॉफ़ी की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये तीन मिल्क पाउडर्ड कॉफ़ी के पाउचेस जो हैं वो बाय करे थे मार्केट से। और आज जो है मैं आपके साथ ये नेस्कैफे के लैटे कैरमेल वाली जो पाउडर है पैकेट जो है उसको आपको बना के दिखाऊंगी कैसे ये इंस्टेंट कॉफ़ी बन जाती है। तो कॉफ़ी की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ जो मैंने ब्रेकफास्ट में आज खाया। मैंने आज चने खाए थे। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए एंड मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं करा है तो प्लीज़ अभी फॉलो कीजिए, वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। तो डेली व्लॉगर 75 को आप फॉलो कीजिए। तो ये देखिए, मैंने तीन पैकेट्स जो है नेस्कैफे के जो मार्केट से परचेज करे थे, और एक पैकेट जो है नेस्कैफे हेज़लनट वाला वो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए खाली है एकदम, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहते हैं अगर आप ट्रैवल करते हैं कहीं तो। आपको बस थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए, हॉट वाटर चाहिए, थोड़ा सा आपको पाउडर इसका कप में किसी उसमें ग्लास में डाल के आपको मिक्स करना है और आपकी इंस्टेंट कॉफ़ी एकदम तैयार है। और आज जो है मैं आपके साथ ये लैटे कैरमेल वाला आपको बना के दिखाऊँगी कि कैसे बनता है और बन के कैसा लगता है। और ये नेस्कैफे ओरिजिनल वाला जो है ये प्लेन है और इसका पाउच थोड़ा छोटा भी है, तो मैं इसको कभी और यूज़ करूँगी। और चीनी मैं अपनी तरफ से ज़रूर ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें जो मैं हेज़लनट वाला मैंने यूज़ करा था इसमें थोड़ी मुझे चीनी कम लगी, तो अपनी तरफ से तो ऑब्वियसली डालनी पड़ेगी, बहुत इसमें कम डली हुई आती है। और जो ये वाला पाउच है रेड वाला, वो मैं कभी बाद में यूज़ करूँगी तो आपको शो कर ज़रूर करूँगी आपके साथ शेयर। और ये देखिए, मैंने कप में थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ और सिर्फ गैस पर जो है उबलने के लिए मैं यहाँ पर रख देती हूँ। और ये देखिए बिल्कुल बॉइलिंग वाटर इसमें मैं डालूंगी, तभी जो है कॉफ़ी का अच्छा झाग बन पाएगा और कॉफ़ी का अच्छा फ्लेवर तभी आ पाएगा। और मैं जो पाउच है इसका उसे कट करके पाउडर जो है इसका मिल्क पाउडर कॉफ़ी का जो है वो कप में अपने डाल लेती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका जो है कॉम्पोजिशन होती है। थोड़ा सा मिल्क पाउडर होता है, थोड़ा वाइटिश जो है इसमें ग्रेन्स होते हैं उसके, और कुछ कॉफ़ी का होता है तो वो लाइटिश ब्राउन इसका वो है। और चीनी मैं भी ऐड करूँगी, जैसे कि मैंने आपको बताया चीनी तो बहुत ही ज़्यादा कम थी तो मैं इसमें चीनी अपनी पूरी ही ऐड कर लूँगी। 2 चम्मच मैं पूरी चीनी ऐड कर लूँगी, बिकॉज कप का जो साइज़ है बहुत बड़ा है, कप काफ़ी यहाँ पर मैं बड़ा यूज़ कर रही हूँ तो चीनी भी 2 चम्मच मुझे चाहिए होगी। और तो ये जो ये वाला है ये बिल्कुल प्लेन होता है नेस्कैफे ओरिजिनल, और इसका पाउच भी छोटा है तो ये छोटे कप के हिसाब से है। इसका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी जब बनाऊँगी। तो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं ये तीन पैकेट्स मैंने यहाँ पे लिए थे तो मुझे तो अच्छे लग गए ये। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, आप इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ना जो मैंने हेज़लनट वाला बनाया था वो इतना गाढ़ा नहीं बन पाया, गाढ़ी कॉफ़ी नहीं बन पाई थी मतलब। तो आप घर में हो तो थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं, थोड़ा ही करना है मतलब, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि फिर वो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आ पाया था। बट अब अगर आप बाहर हैं तो आप ज़रूर नहीं ऐड कर पाएंगे। और ये मैं थोड़ा कोको पाउडर भी ऐड करूँगी, चॉकलेट फ्लेवर इससे अच्छा आएगा। तो ये देखिए जो पानी है मेरा बॉईल हो गया है और बिल्कुल बॉइलिंग वाटर में इस कप में थोड़ा झाग बनाते हुए ऊपर से ऐसे डाल दूँगी। और अब इसको अच्छे तरीके से मुझे मिक्स कर लेना है फैट के पूरा अच्छे से। तो ये देखिए इसका कलर अच्छा आ गया है। तो देखिए बस मिनटों में फटाफट बन जाती है हमारी इंस्टेंट कॉफ़ी। बस आपको गर्म पानी चाहिए होगा बाहर और ये पाउच चाहिए आपको। और फ्लेवर जो हेज़लनट वाला है उसमें हेज़लनट वाला फ्लेवर एक्चुअल में आया था, एंड जो कैरेमल वाला मैं बना रही हूँ इसका अभी भी देखते हैं कि इसमें कैसा फ्लेवर आता है। और ये देखिए कॉफ़ी पाउडर जो कोको पाउडर है मैंने यहाँ पर स्प्रिंकल कर लिया है। और ये देखिए मेरी कॉफ़ी एकदम बन के तैयार है, बहुत अच्छी बनी है। ये देखिए लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।